हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, शश्याकाल, कैसे हैं आप सब। एंड आई एम बैक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको दूंगा कुछ लैंड की डिटेल्स, कॉटेजेस जहां आप बना सकते हैं या फिर आप उस पर कुछ कमर्शियल डेवलप कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ एट माय बैक आप देख सकते हो वाइट, ये पूरा दिख रहा है हिमालय, और मैं मेन रोड पर हूँ। अभी रोड है ये रामगढ़ सतबुंगा और मुक्तेश्वर वाला, यानी कि रामगढ़ भवाली से जो रामगढ़ मुक्तेश्वर वाला रोड है, तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है आपका मुक्तेश्वर और 20 किलोमीटर है भवाली यहाँ से। एंड नैनीताल इज नियर अबाउट 31 किलोमीटर्स। तो मैं आपको आज स्पेशली ये वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको 3-4 लैंड दिखाऊंगा, और लैंड ये मुक्तेश्वर रोड पर है। एंड एज यू कैन सी एट माई बैक कि हिमालय व्यू आपको यहाँ से आ रहा है। एंड धूप यहाँ पे है इस टाइम भी, तो अभी बज रहे हैं 3:30, तो दोपहर का वक्त है, मतलब कि धूप आपकी यहाँ अवेलेबल है। एंड लुक एट दिस, ये पूरा वाइट जो आप पीछे देख रहे हो ये है आपका हिमालयाज। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आपको लैंड दिखाने से पहले बताना चाहूँगा कि मुक्तेश्वर रोड पर ये एक जगह पड़ती है रामगढ़, और रामगढ़ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर ये लैंड सिचुएटेड हैं। बाकी इस रोड पर मेरे पास कई लैंड और भी हैं, लेकिन मैं आज आपको दो लैंड दिखाऊंगा, इस हाईवे से नीचे की साइड में और एक इस हाईवे से ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में अगर आप जो जगह है वो लगभग है 20 नाली के लगभग, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो आपको छोटे छोटे पैचेज में भी मिल सकती है, 1 नाली 2 नाली, और इससे ऊपर की जो जगह है वो है लगभग 5.5 नाली, वो भी मिल सकती है आपको। अगर पूरा पैच चाहिए तो पूरा मिल सकता है, या फिर अगर आप अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो वो थोड़ी बहुत भी मिल सकती है। तो दूसरा ये है कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है। यस, स्नोफॉल होती है, और मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि मेरे पीछे ये लैंड, ये है स्टेट हाईवे, एज यू कैन सी ये मुक्तेश्वर जाता है और पीछे हिमालयाज, और इधर से ये देखिए ये आ रहा है रामगढ़ की तरफ से। सो लेट्स गो, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की ये लैंड है। और आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी ना लेना चाहें, लेकिन मे बी आपके रिलेशन में कोई ऐसा हो जिसको ये प्रॉपर्टी चाहिए हो, तो किसी भी तरह की लैंड या फिर कॉटेजेस, विलाज, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर आपको उत्तराखंड में चाहिए तो आप उत्तराखंड प्रॉपर्टीज से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एंड कोई भी कॉलिंग का टाइम नहीं है, व्हेन एवर यू आर कम्फर्टेबल, उत्तराखंड प्रॉपर्टीज इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, और एक रीजनेबल प्राइस में डिस्प्यूट फ्री प्रॉपर्टी मैं आपको दिलाता हूँ, और एक बुकिंग अमाउंट से लेके पजेशन तक की सारी जिम्मेदारी होती है उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ की। लीगली सारी चीज़ें हम आपकी क्लियर करा के देते हैं। अगर आप लैंड खरीदते हैं तो लैंड पे हम आपको अथॉरिटी से नक्शा भी अप्रूव करा के देंगे, और अगर आप उस पे कंस्ट्रक्शन खुद करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड कराती है। और अगर आपको उत्तराखंड में कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉपर्टी और किस तरह की है ये प्रॉपर्टी, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूँ। एज यू कैन सी पीछे की साइड में ये बिल्कुल रोड से लगी हुई प्रॉपर्टी, और पीछे हिमालय का व्यू है, तो मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये हिमालय फेसिंग है। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द हाईवे जो मुक्तेश्वर और भवाली के बीच में है, यानी कि भवाली से मुक्तेश्वर जाने के लिए ये पड़ता है। एंड जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ वो जगह है ये लगभग 20 नाली जगह है, और आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। ऊपर से मैं एक बार आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल मेन स्टेट हाईवे, इसके हाईवे से लगी हुई जगह है ये। एज यू कैन सी ये जो एंगल्स हैं लगे हुए ये हैं सारे, और यहाँ से आपको ये दिखेगा हिमालय का व्यू। एक बार मैं जूम करके आपको ये हिमालय दिखाता हूँ, लुक एट दिस ब्यूटिफुल। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की लैंड है ये।
खड़ी लैंड नहीं है, इस पर स्टेप्स बने हुए हैं, तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी उतना नहीं आएगा आपका। तो ये देखिए, मतलब कि खड़ी लैंड नहीं है ये, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके सामने कोई पहाड़ नहीं है, तो यानी कि आने वाले टाइम में भी कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो इसके नीचे ही होगा, और आपका जो व्यू है हिमालयस का वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो मैं आ गया हूँ नीचे, और मैं इस लैंड को आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, बट पहले यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ हिमालयस का। ये पूरी बेल्ट है हिमालयस की जो यहाँ से दिखती है, और विजिबिलिटी अभी थोड़ी उतनी क्लियर नहीं है। एंड ये हाईवे है, आपका बस जा रही है ऊपर, और ये है जगह आपकी। एज़ यू कैन सी स्टेप्स बने हुए हैं, तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पर उतना नहीं आएगा। सो एक बार मैं आपको लैंड दिखाता हूँ सही तरह से। ये है लैंड, बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। लगभग 20 नाली जगह है ये, और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लैंड मिल जाएगी। अगर आपको पूरा चाहिए तो पूरा पैच आपको मिल जाएगा, अगर आपको कम चाहिए 2 नाली 4 नाली तो वो भी आपको मिल जाएगी। लुक एट दिस। सबसे बढ़िया बात इस लैंड की, एज आई टोल्ड यू, कि ऑब्स्टिकल इसके सामने कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आपको मिल रहा है ये हिमालय का व्यू। एंड वन मोर थिंग, कि ये मुक्तेश्वर वाले रोड पर है, तो ये कमर्शियल बेल्ट है, बहुत बढ़िया हॉट बेल्ट है, तो इन केस अगर आप यहाँ पर कॉटेजेस वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो आप कॉटेजेस बना सकते हैं, जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर एज अ होम स्टे चला सकते हैं, या फिर आप कॉटेजेस बनाकर यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, और उसका जो नक्शा है वो भी हम अप्रूव करा देंगे आपका। सो दिस वॉज वन लैंड, और मैं अब रोड से ऊपर की साइड में एक आपको चल के लैंड और दिखाता हूँ, वहाँ से भी है आपका हिमालय का व्यू। ये है लगभग 20 नाली का पैच एक, और आपको अकॉर्डिंगली जितनी जगह चाहिए उतनी यहाँ पर मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको ये लैंड दिखा देता हूँ, और ये हाईवे से लगी हुई लैंड, ये जा रहा ऊपर हाईवे, और ये घर बना हुआ है हाईवे की दूसरी साइड में। लुक एट दिस, और आप ये सामने कॉटेजेस देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया कॉटेजेस यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि लोग बाग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बराबर में एप्पल ऑर्चर्ड है, तो जून जुलाई के सीजन में आपको एप्पल्स भी अच्छी तरह से दिख जाएंगे यहाँ पर लगे हुए, और व्यू तो यहाँ का है शानदार। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी लैंड। टिल देन, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए पहले, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि दे शुड हैव एन आइडिया, अगर उनको कोई लैंड चाहिए या फिर कोई और भी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो एटलीस्ट मेरे यूट्यूब चैनल को देख सके, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो मिल जाए उनको, अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स के हिसाब से कई प्रॉपर्टीज़ मैंने डाली हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी वाली लैंड। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द सेकेंड लैंड, और ये आप देख रहे हो रामगढ़ मुक्तेश्वर हाईवे, और सामने आपको हिमालय का व्यू मिल रहा है, और ये है एप्पल ऑर्चर्ड के पास में बिल्कुल। एंड लुक एट दिस लैंड, 5.5 नाली जगह है ये देखिए। और ये इसकी अप्रोच है, मेन रोड से ही अप्रोच है, देखो आप। तो अगर आपको ये जगह भी चाहिए तो आप उत्तराखंड प्रॉपर्टी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और ये मैं इसका सराउंडिंग दिखा रहा हूँ आपको। लुक एट दिस, और इस लैंड की, ये 5.5 नाली
लैंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो ये रोड से ऊपर की साइड में है एज़ यू कैन सी, और इसके बराबर में एप्पल ऑर्चर्ड। तो एक बहुत ही बढ़िया सा जून जुलाई में वेदर जो होता है उसमें जो एप्पल आपके लगे हुए होते हैं, तो व्यू सामने भी बढ़िया और बराबर में एप्पल ऑर्चर्ड का भी बढ़िया। अगर आपको ये लैंड या फिर जो मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाई है लैंड, वो लैंड या फिर किसी भी कोई भी लैंड आपको चाहिए हिमालय फिशिंग या फिर भीमताल में, भवाली में, मुक्तेश्वर में, नैनीताल में, धानाचुली, कहीं भी अगर आपको जगह चाहिए या कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ को कोऑर्डिनेट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, मैसेज कीजिए या फिर टेक्स्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको दिखाता रहूँगा इसी तरह की और भी प्रॉपर्टीज़। टिल देन कीप वॉचिंग उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़, टेक केयर।